आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 5 सबमरीन्स के बारे में, जिससे खौफ में रहते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान। तो चलिए जानते हैं उन 5 सबमरीन्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहला है INS अरिहंत S2। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन है। इस भारी भरकम सबमरीन को नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम के द्वारा बनाया गया है। इसे 2016 में सेवा में लाया गया था। यह 6000 टन वजनी है, जिसकी लंबाई 111 मीटर, बीम 15 मीटर, ड्राफ्ट 11 मीटर है। वहीं अगर इसके रफ्तार की बात करें तो यह 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सरफेस पे चलता है और समुद्र के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यह सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण बहुत दिनों तक और बहुत दूरी तक जा सकता है। जितने दिनों तक का खाना इसमें मौजूद रहता है, उतने दिन तक जवान अपनी सेवा देते रहते हैं। यह सबमरीन 350 मीटर समुद्र तल की गहराई तक जाता है। INS अरिहंत S2 में 95 से 100 नौसेना के जवान शामिल रहते हैं, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स भी रहते हैं। इस सबमरीन को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 83 मेगावाट की कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर लगाया गया है और एक टर्बाइन, एक शाफ्ट और 7 ब्लेड वाला हाई स्क्यूड प्रोपेलर लगा हुआ है। इसमें लगे हुए कुछ सेंसर्स और प्रोसेसिंग सिस्टम्स की बात करें तो इसमें DRDO, USHUS सोनार रेडार लगा हुआ है। साथ ही साथ पंच इंद्रिय, यूनिफाइड सबमरीन सोनार कंट्रोल सिस्टम और अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाया गया है। इस पनडुब्बी में कुछ अस्त्र शस्त्र भी लगे हुए हैं, जिसमें कि 6 533 मिलीमीटर की टर्पीडो ट्यूब और 12 सागरिका मिसाइल्स लगे हुए हैं, या फिर इसमें 4 K4 मिसाइल्स लगाने की क्षमता है। दूसरा है INS कलवरी S21। यह एक डीजल से चलने वाली अटैक सबमरीन है। इसे मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। INS कलवरी S20 को 2017 में सेवा में लाया गया। यह 1615 टन वजनी है, जिसकी लंबाई 67.5 मीटर, बीम 6.2 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर, ड्राफ्ट 5.8 मीटर। वहीं अगर इसके रफ्तार की बात करें तो यह सरफेस पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। वहीं यह समुद्र तल में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यह सरफेस में रहने पर 12,000 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है। वहीं यह समुद्र तल में 10,020 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। साथ ही साथ यह 350 मीटर समुद्र तल की गहराई में जाने की क्षमता रखता है। यह सबमरीन 50 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और इसमें 35 सेलर और 8 ऑफिसर्स होते हैं। इस सबमरीन को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 4 डीजल इंजन, 360 बैटरी सेल्स, DRDO PAFC फ्यूल सेल लगी हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें लगे हुए कुछ हथियारों की बात करें तो इसमें 6 533 मिलीमीटर वाली टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 100 एंटी शिप मिसाइल या 30 माइंस इन प्लेस टॉर्पीडोस लगाई गई है। तीसरा है INS सिंधु घोष S-55। यह एक डीजल से चलने वाली अटैक सबमरीन है, जिसे रशिया के द्वारा बनाया गया था और इसे 1986 में सेवा में लाया गया। यह एक 2350 टन वजनी सबमरीन है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 72.6 मीटर, बीम 9.9 मीटर, ड्राफ्ट 6.6 मीटर है। वह इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा सरफेस पर और 35 किलोमीटर प्रति घंटा समुद्र की गहराइयों में है। यह 9700 किलोमीटर दूर तक समुद्र की सतह पर चल सकता है। यह सबमरीन 45 दिनों तक पानी में रह सकता है, जिसमें यह 300 मीटर गहराई तक जा सकता है। इसमें 52 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 13 ऑफिसर्स होते हैं। INS सिंधु घोष को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 2720 किलोवाट की 2 डीजल इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी हुई है। साथ ही साथ एक 4400 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, 2 152 किलोवाट की ऑक्सिलरी मोटर और 97 किलोवाट की इकोनॉमिक स्पीड मोटर लगी हुई है। इसमें लगे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें पैसिव वॉक होमिंग टॉर्पीडो, एक मिसाइल लॉन्चर, एंटी सबमरीन एक्टिव पैसिव होमिंग टॉर्पीडो और एक माइंस इन ल्यू ऑफ टॉर्पीडो ट्यूब लगी हुई है। चौथा है INS सिसुमर S-44। यह एक डीजल से चलने वाली अटैक सबमरीन है, जिसे 1986 में सेवा में लाया गया था। इसे एक जर्मनी की कंपनी द्वारा बनाया गया है। INS सिसुमर S-44 एक 1450 टन वजनी सबमरीन है, जिसकी लंबाई 64.4 मीटर, बीम 6.5 मीटर, ड्राफ्ट 6 मीटर। वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा समुद्र की सतह पर और 44 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा समुद्र के अंदर है। यह एक बार में 15,000 किलोमीटर दूरी तक जाने की क्षमता रखता है। इस सबमरीन में 40 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 8 ऑफिसर्स होते हैं। यह सबमरीन 260 मीटर गहराई तक समुद्र में जाने की क्षमता रखता है। वहीं इसको शक्ति प्रदान करने वाले इंजन्स की बात करें तो इसमें 4 1800 किलोवाट वाली डीजल इलेक्ट्रिक मोटर्स, एक 3400 किलोवाट वाली मोटर, 4 1.8 मेगावाट वाली सीमेंस अल्टरनेटर जिसमें कि एक शाफ्ट होता है वो लगा हुआ है। इस पनडुब्बी में लगे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें एक वायर्ड गन, एक वायर गाइडेड एक्टिव पैसिव टॉर्पीडो, 24 एक्सटर्नल स्ट्रैप ऑन माइंस लगी हुई है और साथ ही साथ इसमें 14 AEG सूट मोड लगी हुई है। पांचवा है INS खंडेरी S-22। यह एक डीजल से चलने वाली अटैक सबमरीन है जिसे 28 सितंबर 2019 को सेवा में लाया गया था। इसे मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया है। यह 1615 टन वाली सबमरीन है जिसकी लंबाई 67.5 मीटर, बीम 6.2 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर, ड्राफ्ट 5.8 मीटर है। वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र तल में चलता है। वहीं 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र की गहराई में चलता है। यह एक बार में 12,000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। साथ ही साथ यह 50 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और 350 मीटर समुद्र की गहराई में जाने की क्षमता रखता है। INS खंडेरी में 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स होते हैं। इसमें लगे हुए कुछ शक्तिशाली इंजन की बात करें तो इसमें 4 डीजल इंजन, 360 बैटरी सेल्स, DRDO, PAF फ्यूल सेल्स लगी हुई है जो कि इसे बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। यह पनडुब्बी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी सक्षम है जिसके लिए इसमें एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम्स लगाया गया है। इसमें लगे हुए कुछ हथियारों की बात करें तो इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब, 4 सूट टॉर्पीडोस या फिर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स लगी हुई है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कौन सी सबमरीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।